तो देखो मेरी बात सुनो, देखो टॉपिक है गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, डिमांडिंग टॉपिक है। चाहे तुम कोई भी पेपर दे लो, जहां पे हिस्ट्री आपका जो है बेसिकली आएगी, वहां पे गांधी जी का नाम अगर आ जाएगा तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी टॉपिक उठाओ। तो कल हमने डिस्कस किया था गांधी जी के बेसिक लाइफ के बारे में कि गांधी जी के आपका जैसे चार बेटे, आपने आज तक पहली बार सुना होगा कि गांधी जी के चार बेटे भी हैं, ठीक है। तो गांधी जी के चार बेटों के बारे में आपने सुना था और उनके बाद आपका उनकी लाइफ देखी, अर्ली लाइफ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो, लंडन वेजिटेरियन सोसाइटी का। और लंडन वेजिटेरियन सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट थी ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब गांधी जी लंडन जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो बेसिकली आपका उनकी मदर ने एक प्रॉमिस लिया कि भाई क्या करोगे तुम, आपका वहां जाके कोई नॉन वेज नहीं खाओगे या कुछ भी आपका नहीं करोगे। तो इसलिए उन्होंने जाते ही क्या सोसाइटी ज्वाइन की, लंडन वेजिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए आप मेरी बात, तो गांधी जी की आपका ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो एक किताब है गांधी जी की, बड़ी ऊपर लिखी गई है, रामचंद्र गुहा की किताब है, ये कई बार पेपर में आती है, जिसको बोलते हैं गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है। तो गांधी बिफोर इंडिया हम जब पढ़ते हैं, तो गांधी जी के आने से पहले, गांधी जी जब देश में आते हैं तो वो एक टाइम होता है जिसको बोलते हैं 9 जनवरी 1915। इसको हम आपका जो है इंपॉर्टेंट डे के तौर से भी मनाते हैं, इसको आप प्रवासी दिवस के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? प्रवासी दिवस। ये हर साल इसकी थीम भी आपका जो है आती है, इसको आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मेरी बात, तो यहां पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं गांधी जी की स्टोरी साउथ अफ्रीका में, फिर हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, पहले हम साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देख लें। तो मैं तुम्हें आपका 1890 से लेके 1900 तक की स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे आपका गांधी जी ने वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, कैसे गांधी जी ने वहां पे अपने आप को आपका मोटिवेशन किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। गांधी जी बढ़िया आपका सूट वूट में दिखाई देते थे आपका पहले, और फिर कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई वो देखेंगे हम। तो 1893 में आपका गांधी जी अराइव करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, और मैंने तुम्हें बताया कि साउथ अफ्रीका में आपका उनको एक इंडियन बिजनेसमैन थे जिनको बोलते थे हम क्या, दादा भाई अब्दुल्ला, और वो गुजरात के आपका क्या थे, मर्चेंट ट्रेडर थे। उनकी एक शिपिंग कंपनी थी आपका जो है, जिसके तौर पर उन्होंने क्या करा, अपने केसेस लड़ने के लिए, अपने लीगल केसेस लड़ने के लिए गांधी जी को बुलाया। और जब गांधी जी ने उनका केस लड़ा ना, तो वो गांधी जी के दो चीजों से बड़े इंस्पायर हुए। एक क्या, एक तो पहली चीज जिससे वो इंस्पायर थे, वो थे गांधी जी की फ्लुएंट इंग्लिश, समझ रहे हैं मेरी बात, फ्लुएंट इंग्लिश बड़ी प्रभावित थी। और दूसरा उनकी लीगल एज की समझ, जितना भी लीगल चीजें थी उनकी समझ गांधी जी को आपका बहुत अच्छी थी। तो दोनों चीजों से बड़े ज्यादा प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रह के काम करो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जब गांधी जी को ये ऑफर दिया गया, तो गांधी जी ने आपका कहा ठीक है मैं यहाँ पे काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी आपका जब बेसिकली वहां पे काम करते थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पूरे डर्बन वाले इलाके में आपका वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते इंडियन बैरिस्टर मिलते थे, और कोई बैरिस्टर था नहीं उनके पास आसपास में आपका जो है, ठीक है। तो उनका वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा था, समझ रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी आपका जो है बेसिकली जितने भी रिच क्लास है, समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको सर्व नहीं किया है, वो पुअर लोगों के लिए भी काम करते थे। अब आप कहोगे सर पुअर लोगों के लिए क्या काम करते थे, तो इंडियन सोसाइटी जो बेसिकली वहां पे रहती थी उनको क्या करना होता था, उनको टाइम टू टाइम अपना जो परमिट होता है वहां पे रहने के लिए वो रिन्यू करवाना पड़ता था। तो उस परमिट सिस्टम को जो रिन्यू करते थे वो गांधी जी करते थे आपका जो है वहां पे रहके, और उनके रिन्यूअल की तरफ काम चलते थे। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब नेक्स्ट जो बात हमको देखनी है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको आप इंपॉर्टेंट करके मार्क करेंगे। 1893, स्टेशन का नाम है सेंट पीटर मैरिट वर्क, समझ रहे हैं मेरी बात, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या हुआ, गांधी जी ने आपका फर्स्ट क्लास एसी की टिकट ले रखी थी, उसके बावजूद भी उनको आपका जो है बेसिकली गोरो ने क्या कर दिया, स्टेशन के बाहर उठा के फेंक दिया, और वहां से फिर गांधी जी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी खुद से लिखी। इसके बाद आपका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख पाएंगे। वो पूछता है आपका नेटल इंडियन कांग्रेस, जैसे हमारे यहां आपका इंडिया में आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे ही नेटल एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पे गांधी जी ने क्या किया, वहां पे गांधी जी ने इंडियंस के लिए, इंडियंस के वेलफेयर के लिए, ताकि इंडियंस में काम कर पाए, वहां पे खोला नेटल इंडियन कांग्रेस, और इसके सबसे पहले सेक्रेटरी आपका गांधी जी ही थे। ये बात आपको याद रखनी है कि नेटल इंडियन कांग्रेस के सबसे पहले सेक्रेटरी गांधी जी ही बने। तो ये आपका कभी कभार पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि नेटल इंडियन कांग्रेस कब बनाया गया था, तो 1894 ईयर याद रखना, या वो दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1894 में कौन सा आपका इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो नेटल इंडियन कांग्रेस आपका बनाया गया। पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका क्या होता है, 1899 तक गांधी जी आपका जो है सारा काम कर रहे थे अकेले ही उस पूरे इलाके के अंदर, जब तक आपका क्या नहीं होता, जब तक आपका जो है बेसिकली वहां पे कोई और पर्टिकुलरली आपका जो है बेसिकली क्या नहीं होता है, कोई और आपका लॉयर ना आ जाए, तो उस इलाके में आपका जो है बेसिकली गांधी जी अकेले काम कर रहे हैं।
तो गांधी जी ने देखा कि 1899 तक कोई नहीं आ रहा है, तो उन्होंने वर्कलोड तो प्रेशर था। 1899 में गांधी जी के साथ एक और आपका उस इलाके में लॉयर आते हैं जिनको बोलते हैं क्या हम, रहीम करीम खान, समझ रहे मेरी बात, या रहीम खान भी आप उनको लिखते हैं। ये एक दूसरे बैरिस्टर थे जो आए थे यहां पे, और रहीम खान के आने के बाद क्या हुआ, गांधी जी का जो प्रेशर था उस इलाके में, दो आपका जो है बेसिकली लॉयर हो गए, तो प्रेशर गांधी जी का कम हो गया। ठीक है, अब गांधी जी का प्रेशर कम हुआ तो गांधी जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और गांधी जी को जब किताबें पढ़ने का शौक था तो उनको क्या करते थे, अलग अलग किताबें पढ़ते थे आपका, और अलग अलग किताबों से पढ़ के आइडियाज कंसेप्ट आपका लेने का काम करते थे। तो हम देखेंगे कि गांधी जी कौन कौन से आपका राइटर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, या कौन से राइटर्स के लिए उन्होंने काम किया है, समझ रहे मेरी बात, जिससे उन्होंने कोई ना कोई कंसेप्ट लिया है। तो सबसे पहला नाम आता है हेनरी डेविड थोरियो का। हेनरी डेविड थोरियो आपका जो है बेसिकली बहुत ही अच्छे फिलोसोफर मिलेंगे रशियन बेसिस पे आपका जो है, उनसे गांधी जी ने कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठाया है। गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो चंपारण सत्याग्रह की फॉर्म में देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, और वैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में चंपारण सत्याग्रह के अलावा बहुत सारे मूवमेंट सत्याग्रह कर दिए थे, और सत्याग्रह के लिए उन्होंने कई सारे आपका जो है फार्म्स भी बनाए थे वहां पे। अगर आपको याद हो, गांधी जी आपका फिनिक्स फार्म बनाएंगे अभी साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा गांधी जी और क्या करेंगे, गांधी जी आपका जो है बेसिकली वहां पे जैसे साबरमती आश्रम बना रखा था, वहां पे नेटल आश्रम बना रखा है उन्होंने, कई सारी सोसाइटीज आपका फॉर्म कर रखी हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में चल रहा है। उसके बाद दूसरा नाम तुमने कई कई बार सुना होगा, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का एक आपका किताब थी अनटू हिज लास्ट। अनटू हिज लास्ट में उसने आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया, जिसको बोलते हैं आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड कम्युनिटी लिविंग। इससे गांधी जी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कपड़े तक पहनने बंद कर दिए। इसीलिए आप जो है क्या देखते हैं, धोती कुर्ते में गांधी जी को ज्यादातर देखते हैं। पहले गांधी जी कोट पैंट में रहते थे ना, पर उन्होंने देखा कि आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग से आपका लोग कितने सहज भाव से आपका चीजें चल रही है, तो उन्होंने फिर अपने बाल दे दिए थे। सीडीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, गांधी जी ने जो पहली बार अपने बाल दिए थे वो कहां दिए थे, मदुरई में। मदुरई आपका कहां पड़ता है, तमिलनाडु में आपका जो है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बन सकता है आपका। इसके अलावा अब जब अनटू हिज लास्ट उन्होंने पढ़ ली तो उन्होंने देखा कि एक हिंद स्वराज का आपका मामला देखने को मिलेगा जब वो इंडिया में आएंगे। वो हिंद स्वराज की बात करते हैं ना, कंप्लीट स्वराज, हिंद पूरा आपका जो है स्वराज की बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, गांधी जी एक कंसेप्ट देते हैं कि जो आपका बेसिकली लोग हैं, लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स हमके क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर आपका जो है जितनी भी मशीनें वगैरह हैं वो थोप रहे थे, जिससे लोगों को काम मिलना बंद हो गया था धीरे धीरे। तो गांधी जी ने कहा मशीन वर्किंग इज फार बेटर देन, ठीक है, सॉरी हैंड वर्किंग इज फार बेटर देन आपका जो है किस चीज से, मशीन वर्किंग। तो गांधी जी ने बोला कि आप क्या करें, आप जो है बेसिकली बढ़ावा दें अपने किस चीज को, हाथों से जो काम होता है उसको ज्यादा बढ़ावा दें रादर देन मशीन के काम से। और ये कंसेप्ट रस्किन के ही आपका जो है बेसिकली बोरोड था। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट है राल्फ वाल्डो इमर्सन, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आगे जाके आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलता है जहां पे गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाते हैं, और इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका जो है एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका पूछता है वो, कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले आदमी थे वो कौन थे, तो उसमें आपका जो है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है, पर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आपका जो है सस्पेंस है अभी तुम्हारे लिए। नेक्स्ट टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय आपका जो है बेसिकली लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं इनको। टॉल्स्टॉय फॉर्म भी बनाया गांधी जी ने आपका जो है कहां पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। टॉल्स्टॉय फॉर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टॉल्स्टॉय फॉर्म आपका जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहां से गांधी जी ने, गांधी जी क्या करते थे यहां पे बैठ के, गांधी जी आपका जो है बेसिकली हाइजीन के ऊपर किताबें लिखते थे। इसके अलावा गांधी जी क्या लिखते थे यहां पे, विमेन्स को आपका बताते थे कि कैसे वो आपका जो है काम कर सकती हैं, कैसे चीजें कर सकती हैं। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका एक कंसेप्ट था कि किंगडम इज विद इन यू, मतलब कि अगर तुम हो तो तुम आपका पूरे के पूरे किंगडम को चला सकते हो। ये सारी बातें आपका जो है बेसिकली गांधी जी ने बोरो की थी लियो टॉल्स्टॉय से। तो लियो टॉल्स्टॉय आपका जो है क्या करेंगे, लियो टॉल्स्टॉय आपका जो है बेसिकली यहां देखने को मिलेंगे आपको। जो ये जो बोर है, बोर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो है आपके लिए, ध्यान से सुनना। बोर बेसिकली आपका जो है ये 1899 में मिलेगा आपको, ठीक है। और बोर जो 1899 में शुरू हुआ आपका, एक इलाका है जिसको आप बोलते हैं ट्रांसवाल। तो ट्रांसवाल में आप क्या करते हैं, ट्रांसवाल में बेसिकली आपका जो है बेसिकली ये जितना भी इलाका है ये सारा गोल्ड में, कोल से आपका गोल्ड निकालते हैं हम, और गोल्ड में आपका जो है बड़ा ही रिच था, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे इस ट्रांसवाल वाले इलाके में, यहां पे फोर्सफुल आपका जो है क्या कर रहे थे, फोर्सफुल लोगों को आपका एक्सट्रैक्ट कर रहे थे यहां से, समझ रहे हैं मेरी बात। और जब लोगों को एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू किया उन्होंने यहां से, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने आपका जो है बेसिकली इनके साथ एक लड़ी, ये जो बोर है ना, बोर ये कम्युनिटी है, समझ रहे हैं मेरी बात, और ये कम्युनिटी आपका जो है क्या करती है ब्रिटिशर्स के साथ वर्सेस ब्रिटिशर्स एक वॉर लड़ती है, और इस वॉर को आपका जो है क्या कहा जाता है बोर वॉर, जो कि 1899 का है, पर तुम्हारी तरह बेसर में वो भी आपका जो है कितने ही मामलों पर जाते तो कहीं है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो बोर का हिसाब भी वही था, 1899 में क्या हुआ, इन्होंने भी आपका क्या करा कि ये हार गए, सब कुछ हो गया, पर बोले हम यहां जाएंगे नहीं, माई बाप आप ही हो, सब कुछ आप ही दोगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इन्होंने आपका जो यहां पे कंटिन्यू किया, बोले हम रहेंगे यहीं, ठीक। तो इन्होंने जैसे क्या हुआ यहां पे आपका जो है बेसिकली जितना भी इलाका था इन्होंने साथ रहे। अब गांधी जी का इसमें क्या रोल लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से सुनना, और मेरी लाइंस जो मैं बोल रहा हूं ये बड़ी ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, गांधी जी ने ब्रिटिश इंडिया को यहां पे सर्व किया, ब्रिटिशर्स को भी किया और इंडियंस को भी किया, दोनों को सर्व किया, और उसके लिए गांधी जी ने एक एम्बुलेंस चलाई, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये जो एम्बुलेंस गांधी जी चलाते हैं एम्बुलेंस कॉर्प्स में, तो उसमें आपका ब्रिटिशर्स को भी वो कहां लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और उसके अलावा आपका जो है बेसिकली किसको लेके जाते हैं इंडियंस को भी उठा के आपका जो है कहां लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो गांधी जी से पूछा गया एक इंटरव्यू में उसके बाद जब ये हो गया कि भाई तुमने आपका ब्रिटिशर्स को सर्व क्यों किया, कोई तो रीजन होगा। तो गांधी जी ने कहा क्या बोला, गांधी जी बोलते हैं कि मेरी आपका जो बेसिकली सिंपैथी थी, या मतलब जो आपका मेरी पूरी की पूरी भावनाएं थी एज एन इंडियन, वो सारी इंडियंस के साथ थी, पर जो मेरा धर्म कहता है, जो मेरी ड्यूटी कहती है, मैंने सारी गैदरिंग्स अपनी इकट्ठी की और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, क्योंकि मैं एक आपका कहीं ना कहीं उनके अंदर काम कर रहा था, उनके लिए भी काम किया है, तो उस काम के लिए मुझे आपका ब्रिटिशर्स को सर्व करना पड़ा, मैंने अपनी सारी गैदरिंग्स करके आपका जो है ब्रिटिशर्स को सर्व किया। यहां से गांधी जी को काफी प्रेज देखने को मिले कि एक इंसान जो कि आपका क्या कर रहा है इंडियंस को सर कर रहा है, और उसने अपनी ड्यूटी भी निभाई है और साथ साथ अपनी देश की भावना भी निभाई है, तो दोनों काम उनको आपका जो है इंपॉर्टेंट रहे, ठीक। इसके बाद क्या होता है, यहां से आपने जो है आना है और इस काम को याद रखना है, फिनिक्स फार्म को, फिनिक्स फार्म आपका जो किया गया था सेटअप, इसको प्लीज कहीं पे इंपॉर्टेंट करके मार्क करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्म है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय से इंस्पायर होकर उन्होंने काम किया, इसके अलावा इन्होंने सेटअप किया इसको आपका जो है, और यहां से गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी आपका जो है लोगों को प्रीच करते थे कि भाई तुम आपका जो है बेसिकली क्या करो, तुम आपका जो है वहां पे काम करो, तुम आपका रहो वहां पे, और आपका जो है क्या करिए आप वहां पे, कैसे आपका जो है लोग काम करेंगे, कम्युनिटी सब कीजिए, ये सारा काम। इसके अलावा जो हाइजीन थी वहां पे, हाइजीन के लिए काम किया, सेक्सुअल असिस्टेंस मतलब होता है कि बेसिकली वुमेन्स को बताना कि कैसे आपका जो है सेक्सुअली आप सही रह सकते हैं, कैसी चीजें हो सकती है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन में अभी जैसे तुमको बोल रहा था कि ये क्वेश्चन 4 नंबर देके जाएगा अगर पेपर में आ गया तो, और ये देता ही देता है, गांधी जी ने अपना सबसे पहला न्यूज़पेपर जो आपका किया था वो आपका शुरू किया था फिनिक्स फार्म से, इसको बोलते हैं इंडियन ओपिनियन। पेपर में पूछ लिया कि गांधी जी का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो इंडियन ओपिनियन आपको याद रखना है, ये प्लीज आपका जो है बेसिकली क्वेश्चन याद रखना, ठीक। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, अब सुनो। अब इसके बाद जूलू वॉर जैसे ही आप चलते हो तो जूलू वॉर में आपने क्या करना है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया जूलू पॉपुलेशन को, ये जूलू भी आपका कम्युनिटी है, तो ये पॉपुलेशन थी वहां पे, इस पॉपुलेशन को गांधी वो क्या करते हैं आपका जो ब्रिटिशर्स फोर्सफुली आपका जो माइंस होती थी कोल माइंस, क्योंकि उन्हें वहां से क्या निकालना होता था सोना वगैरह, तो उसमें आपका फोर्सफुली काम करवाते थे उनसे। तो उन्होंने क्या हुआ, जो जूलू थे, जूलू ने आपका क्या डिमांड कर दिया, जूलू बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपका जो है हम काम नहीं करेंगे, तो जूलू ने आपका इनके खिलाफ क्या छेड़ दिया, वॉर छेड़ दिया। अब जूलू की दो डिमांड इंपॉर्टेंट थी, जूलू पॉपुलेशन दो डिमांड रखी हुई थी अपनी, पहली डिमांड कि हम आपका क्या करना चाहते हैं, हमारा आपका जो लैंड राइट्स हैं, लैंड राइट्स क्या कर दो, खत्म कर दो, एक तो जो हमारे लैंड राइट्स है वो हमें दे दो, ठीक है, ये जो हमें आपने लैंड राइट्स नहीं दे रखे हैं वो हमें दे दो, और दूसरा जो आपने हैवी टैक्सेस लगा रखे हैं हमारे ऊपर, जो इतने भी आपके हैवी टैक्सेस इंपोज करते हो आप, वो खत्म कर दो। तो जब आप ये दोनों काम कर देंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका जो है बेसिकली हमें हम आपके मानने के लिए तैयार रहेंगे। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया नहीं, रादर देन उनका जूलू के साथ वॉर हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं, जूलू वॉर, समझ में आई मेरी बात। इसके अलावा गांधी जी ने इसमें भी आपका जो है बेसिकली सर्व किया अगेन, और एम्बुलेंस कॉर्प्स चलाई गांधी जी ने, और तुम्हें मैं बताता हूं इसी एम्बुलेंस कॉर्प्स चलाने की वजह से गांधी जी को बाद में जाके एक टाइटल मिलेगा जिसको आप बोलते हैं केसरे हिंद, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये टाइटल ब्रिटिशर्स की तरफ से दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलियांवाला बाग,
समझ रहे हैं मेरी बात? जलियांवाला बाग आपको ट्रेजेडी होती हुई दिखेगी 1919 में, और जब ये जलियांवाला बाग होगा तो गांधी जी उसके बाद अपना केसरे हिंद का टाइटल क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। इनके साथ एक और भी बंदे थे जिनको बोलते हैं क्या बताओ मुझे, रविंद्रनाथ टैगोर, नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था उनको। किसका टाइटल मिला हुआ था? नाइटहुड का। वो भी उन्होंने वापस कर दिया। और जब ये दोनों टाइटल आपका जो है वापस हो जाते हैं तो फिर आपका जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़िया अपनी तरफ चलने शुरू करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझिए। आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है था आपका वहां पे केप टाउन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट एक क्या करता है, एक आपका जो है वहां पे लॉ पास करता है। ये मैं बात बता रहा हूं 1913 से 14 के टाइम पे। यहां पे अपने जो प्रोटेस्ट थे वो पीक पे चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है केप टाउन के अंदर, उसने एक बिल लेके आया, एक बिल पास किया या एक जजमेंट पास करता है, वो आपका बात दें कि जितनी भी क्रिश्चियन मैरिजेस हैं, ऑल इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस जितनी भी हो रखी थी, तो क्रिश्चियन मैरिजेस आपका नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी। मतलब कोई भी क्रिश्चियन, अगर आपका जो है बेसिकली वाइफ या कहीं भी लड़की आपका पकड़ी गई किसी दूसरी कास्ट के साथ या किसी रेस के साथ शादी करते हुए, तो वो डिक्लेयर हो जाएंगी नल एंड वॉइड। और उन्होंने क्या बोला, ऑल द इंडियन वाइफ्स आर मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है अ वुमन हु इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मोर देन वन मैन। समझ रहे हैं मेरी बात? एंड देयर चिल्ड्रन एज बास्टेड। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपका स्टेटमेंट एक एपेक्स बॉडी जिसको आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं साउथ अफ्रीका की, ब्रिटिशर्स की, वो दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी बातें जब उन्होंने बोली कि ये बास्टर्ड है ऐसा करके, तो यहां पे क्या होता है, गांधी जी ने आपका फिर की डिमांड, और गांधी जी ने इमीडिएट चेंज इन लॉ आपका बात की। और गांधी जी इसमें एक स्टेटमेंट देते हैं, अ कंट्री विच कैन नॉट फेवर और सेव द डिग्निटी ऑफ इट्स वुमेन इज वेरी 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 आपका पुअर देन अ ब्रूट। ब्रूट होता है जो बंदा आपका चांडाल होता है ना भैया, मेरा आपका बिल्कुल एकदम शांत से, तो उसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी को बुलाया साउथ अफ्रीका में, और कस्तूरबा गांधी जी साउथ अफ्रीका में आती हैं, और जितनी भी विमेंस आपका वहां पे प्रेजेंट थी उनके साथ लेके या उनको एक साथ लेके आपका जो है वो पूरी रैलीज निकालती हैं, और अलग अलग जगह विमेंस इस लेवल तक चली गई थी कि वो जेल जाने तक के लिए तैयार थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर वो जेल जाने के लिए तैयार है तो तुम प्रोटेस्ट का लेवल समझ सकते हो कितना तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जो है बेसिकली क्या होगा, ये सारी चीजें